आपका स्वागत है। हमारे साथ शहनाज जी हैं जो बचपन से डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं। इनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं, वेल एजुकेटेड हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस है डेरा सच्चा सौदा संस्था के साथ, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिनसा के साथ। शहनाज जी द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? बीकॉम एमबीए। करंटली क्या कर रहे हो मैम? करंटली आई एम वर्किंग इन एमएनसी एज अकाउंटेंट फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था में भी आज आप खड़े हो, क्यों आज भी आपकी आस्था है यहाँ पर? माई फैमिली इज डिवोटेड फ्रॉम लास्ट 20-30 ईयर्स ऑलमोस्ट, एंड वी आर कंटिन्यूसली कमिंग हियर। आई हैव कम्प्लीटेड माई होल एजुकेशन फ्रॉम हियर ओनली, दैट इज श्या सतनाम जी गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज, एंड वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू ह्यूमैनिटी, रिलेटेड टू गर्ल्स रिस्पेक्ट। The respect we came here is never been found anywhere. So we are continuously working here and coming here and serving the humanity. मैम, लोगों का तो ये कहना है यहाँ एजुकेटेड लोग ही नहीं आते हैं, अंधभगत बुलाया जाता है, क्या जवाब देना चाहोगे आप ऐसे लोगों? आई थिंक आई एम ओनली दी वन हेयर आई एम स्टैंडिंग, एंड मैनी ऑफ दी अदर गर्ल्स एंड बॉयज आर ऑल्सो स्टडीड हेयर एंड स्टिल दे आर डिवोटेड, एंड दी इंटरनेशनल प्लेयर्स आर फ्रॉम दिस स्कूल एंड कॉलेज। सो इट्स नॉट दी फैक्ट दैट एजुकेटेड पीपल डोंट कम हेयर, वी आर हेयर, वी आर एजुकेटेड एंड वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दी सोसाइटी एज वेल, सो वी आर कमिंग हेयर। नॉट एन आप क्यों आते हो, मतलब आपको ऐसा क्या मिलता है यहाँ? या दी सेटिस्फेक्शन, इनर सेटिस्फेक्शन, दी आउटर सेटिस्फेक्शन, टू सर्व दी ह्यूमैनिटी, टू बी दी सेपरेट फ्रॉम होल दी वर्ल्ड, बट वी डू दे कॉन्ट डू, बट वी आर डूइंग दे आर नॉट डूइंग। सो टू अवे फ्रॉम दी ड्रग्स, टू हैव अ क्रिएट इम्पॉर्टेंट सोसाइटी, वी आर हेयर। मैम, यहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात की है आपने, यहाँ पर ही एजुकेशन ली है, आश्रम की बात की जाए, यहाँ पर गर्ल्स को लेकर कैसा इन्वायरमेंट है? गर्ल्स को लेकर सबसे सेफ इन्वायरमेंट है। अगर हम बाहर की बात करें तो जैसे अब मैं एमएनसी में कर रही हूँ जॉब, तो वहाँ का माहौल भी बहुत डिफरेंट है यहाँ के माहौल से। यहाँ पे जो सिक्योरिटी आपको कहीं नहीं मिल सकती, मैंने 3 साल हॉस्टल में भी लगाए हैं, हॉस्टल का इन्वायरमेंट दी बेस्ट है। बाहर वाले हॉस्टल में भी रही हूँ मैं, बट दी बेस्ट इन्वायरमेंट फ्रॉम हेयर। यहाँ जैसी सिक्योरिटी, यहाँ पे पेरेंट्स अपनी बच्चियों को छोड़ के दे आर रिलैक्स, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, दे आर सेफ, एंड रियली वी आर सेफ हियर। इससे ज़्यादा अच्छा सेफ एनवायरनमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ के हॉस्टल के बारे में बात करें, जहाँ यहाँ की जो कवरेज दिखाई जा रही थी मीडिया के द्वारा, वो सब फेक थी। अगर मैं बात करूँ तो मैंने 3 साल इस हॉस्टल में लगाए हैं, और नर्सरी से ग्रेजुएशन तक मैंने यही स्टडी की है, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा यहाँ पे, बल्कि इतनी सेफ्टी थी। इवन इफ़ यू थिंक कि जो लोग यहाँ से डिवोटेड नहीं है, वो भी अपने बच्चों को यहाँ डालते हैं ताकि उनकी बेटियाँ सेफ रहें। आजकल जो लड़कियों का हाल है बाहर, उससे ज़्यादा सिक्योरिटी तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलने वाली आपको। गुरु जी का नेचर कैसा है? दी बेस्ट। अगर हम बात करें कि हमारे मम्मी पापा और हम उनके मम्मी पापा भी, अगर हमें इतना प्यार नहीं दे सकते जितना हमें यहाँ से मिला है, द बेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट, यूनिवर्स में भी नहीं है शायद ऐसा। तो करेक्टर कैसा है मैम? करेक्टर अगर हम बात करें, हम उनकी बेटियाँ हैं, हमारा करेक्टर उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया, तो उनका तो इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम ये बोल ही नहीं सकते जो भी मीडिया में दिखाया गया है कि वो सही है, मीडिया वालों ने जो दिखाया वो उनकी, उन्होंने अपनी अजम्पशन लगाई है, लेकिन हमने रियलिटी यहाँ पे गेस की है। हम यहाँ रहे हैं इतने सालों से और अभी भी कॉन्टिन्यूसली यही आ रहे हैं। और अगर बात की जाए तो मेरी बुआ, मेरे कजन्स, दे आर लिविंग हेयर फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स। मेरे बुआ सदब्रह्मचारी हैं, मेरी कजन्स ब्रह्मचारी हैं, तो हमें तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं लगा। वो यहाँ पे सेफ है, हम भी यहाँ पे सेफ है, हमारे पेरेंट्स भी सेफ है। करेक्टर उन्होंने हमें बनाना सिखाया, तो हम उन्हें कैसे कह सकते हैं कि उनका करेक्टर गलत है? जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, चाहे साध्वियों को लेकर या कुछ भी, काफ़ी एलिगेशन उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? ये तो गलत है। अब उन्होंने क्या देखा एक चिट्ठी के बेस पे, क्या उन्होंने इंसम्पशन लगाई है दुनिया ने, या जो भी उन्हें दिखाया गया है, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। उन्होंने बिना किसी सबूत के, बिना यहाँ आए देखा, हमने जो यहाँ पे देखा वो उससे बिल्कुल अलग है। और बात रही अगर हम बाहर की बात करें, अगर हम मेरी कंपनी की या जहाँ पे मैंने जॉब की है, वहाँ पे भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुझसे कि आप वहाँ पे स्टडी करके आए हो तो आपको वहाँ पे कैसा माहौल लगता था, या वहाँ पे क्या हो रहा था जो हमने मीडिया में देखा, क्या वो सच है? तो हमें वहाँ से इवन ये भी बोला जाता है कि यार तुम लोग इतने पढ़े लिखे हो तो ऐसी बातों पे विश्वास कैसे कर रहे हो? तो मेरा उनको एक ही जवाब होता है कि हमने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, आपने वहाँ नहीं किया, तो आपको जो बोला गया आप वो सुन रहे हो, हमने जो देखा है हम वो बता रहे हैं। एक ना एक दिन तो सच सामने आना ही है, वेट एंड वॉच क्या आता है फिर आगे।
वे ऑफ ट्रीटमेंट कैसा रहता है गुरुजी का गर्ल्स के साथ या पब्लिक के साथ, कैसा ट्रीटमेंट? बहुत ही सॉफ्ट नेचर। अगर हम बात करें, हम पर्सनली भी जैसे मिलते हैं या फिर टूर्स पे भी जाते हैं, अगर स्कूल में भी बात की जाए तो इतना प्यार से, इतनी रिस्पेक्ट से, आई थिंक हमारे पेरेंट्स भी हमें ट्रीट नहीं करते जितना प्यार हमें यहाँ पे मिलता है। हम अगर बात करें कि अगर हमें ये भी बोला जाए कि आपको घर जाना है या डेरे जाना है या हॉस्टल में रहना, तो वी विल प्रेफर कि हमें हॉस्टल में रहना है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट, जो प्यार हमें यहाँ मिलता है वो घर पे भी नहीं मिलता। गुरुजी ने सोसाइटी के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया? सोसाइटी के लिए इतने सारे काम हैं। अगर हम सबसे बात बड़ी बात है हमारा ब्लड डोनेशन, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अभी तक 12 बार ब्लड डोनेट कर दिया है। कुछ रीज़न की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट आई हैड डोनेटेड एवरी 3 मंथ्स। तो उसकी वजह से जो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आना वो बात अलग, एंड यहाँ पे सेवा करके आपके इतने बड़े बड़े कर्म कट जाना वो बात अलग। आई हैव द लाइव एक्सपीरियंस ऑफ माई फादर, माई ग्रैंड फादर, एंड उसके बाद बॉडी डोनेशन जो सबसे बड़ी बात है, जो मेडिकल में आगे काम आती है, जिसकी वजह से आगे आने वाली बीमारियों का भी हम इलाज ढूंढ पाते हैं। मेरी फैमिली में वी हैव डोनेटेड नंबर ऑफ बॉडीज, एंड उसके भी बड़ी बात जो लड़कियों की स्टडी जो आज के टाइम पर सबसे इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रमोट की जाती है। बेघरों को घर दिए जाते हैं, जो आज लोग रोड पे हैं उनकी संभाल की जाती है, खाना दिया जाता है। इतना पैंडेमिक टाइम था हमारा लास्ट ईयर, उसमें भी हमारे यहाँ के लोगों ने फूड डोनेट किया है उन लोगों को जो खाना खा नहीं पा रहे थे काम की वजह से या उनका काम बंद हो गया है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो यहाँ पे हो रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया को सीख लेनी चाहिए कि यस दिस कैन बी डन। इसकी वजह से हमें इनर पीस मिल सकता है, इसकी वजह से हम ह्यूमैनिटी को आगे लेके जा सकते हैं। ये सब में पार्ट दुनिया को भी लेना चाहिए। अगर यहाँ से टीचिंग लेके कुछ अच्छा तो सीखो, चलो बुरा नहीं। अगर आपको यहाँ पे कुछ बुरा लगता है तो आप उसे इग्नोर करो, जो अच्छा मिल रहा है उसे तो लो एटलीस्ट। मैम अगर बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, आजकल हम सोसाइटी में देखते हैं वुमेन्स के साथ काफ़ी इस तरीके का मतलब उनके साथ ट्रीट किया जाता है सोसाइटी के अंदर, आपको क्या लगता है गुरुजी ने कोई वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या सोसाइटी में वुमेन का रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए कुछ योगदान, कोई कॉन्ट्रीब्यूट? सबसे बड़ी बात, यहाँ पे गर्ल्स स्कूल खोले गए, उसके बाद इंटरनेशनल स्कूल्स खोले गए, प्लेयर्स बनाए गए, यहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर्स निकले हैं। उसके बाद यहाँ पे गर्ल्स को लेके जो रहता है कि नहीं 18 साल की लड़की हुई तो उसकी शादी कर दो, यहाँ पे ऐसा मेरे को अभी भी वो वचन याद है जो यहाँ पे हुए थे कि लड़की की शादी तब तक मत करो जब तक वो अपने पैरों पे खुद खड़ी ना हो जाए। तो आई एम ऑफ 30 इयर्स एंड माय पेरेंट्स हैव नॉट फोर्स मी टू गेट मैरिड, दे आर सेइंग इफ यू वांट टू वी विल। लेकिन ऐसा मतलब अगर हम बाहर की बात करें तो लड़की 25 की हुई शादी कर दो जी, घर का काम करेगी, क्या करना है इसने जॉब करके। लेकिन हमारे तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आई थिंक अगर मेरे फ्रेंड्स की या मेरे क्लासमेट्स की, मेरे जूनियर सीनियर सब की बात की जाए तो सारे आज अपने पैरों पे खड़े हैं, अपना कमा रहे हैं, अच्छी फैमिली में सेटल्ड हैं, करेक्टर सबका बहुत हाई है। अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर का तो मेरे खुद के कोलीग्स हैं, दे आर लाइक उन्हें पता ही नहीं है कि हम लाइफ में क्या कर रहे हैं। उनका मकसद है खाओ पियो, रात को पार्टीज करो और सो जाओ बस। लेकिन हमने जो यहाँ पे सीखा है उसकी वजह से हमारे पेरेंट्स हम पे भरोसा करके हमें बाहर भेजते हैं और हम एक सोसाइटी में अलग एग्जाम्पल की तरह सेट हो रहे हैं कि यस दिस कैन बी डन, गर्ल्स ऐसी भी हो सकती हैं। उसके बाद जो यहाँ पे सबसे बड़ी बात की गई है कि वंश को बढ़ाने के लिए लड़के की जरूरत पड़ती है, तो ऐसा भी नहीं है, वो भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है कि लड़की से भी वंश बढ़ सकता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गर्ल्स को लेके की गई हैं। सबसे बड़ी बात वही कि इक्वालिटी जनरेट की गई है, फीमेल फेमिनिसाइड को ख़त्म किया गया है जो आज के टाइम पे बहुत बड़ी बात है। इक्वल लाया गया है सोसाइटी में सबसे बड़ी, क्योंकि अगर लड़की सही है तो ही घर सही चलेगा, मेन पॉइंट वही है। तो लड़की को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है जो यहाँ से शुरुआत हुई है। शायद मेरे को लगता है कि अगर हम पहले की बात करें जब मेरे पेरेंट्स शायद ना डिवोटी होते और हमें अगर पढ़ाने की बात की जाती, हम गांव से हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम पढ़ पाते और यहाँ तक होते। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डेरा सच्चा सौदा। 3-4 साल होने वाले हैं मैम अब गुरुजी सोसाइटी पे नहीं है, अब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे? इम्पैक्ट दुनिया को लगता है कि डेरे वाले अभी भी पागल हैं, जो लगे हुए हैं, कुछ ने छोड़ दिया है वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं लगता कि किसी ने भी छोड़ा है। हम तो हर संडे आ रहे हैं, हर संडे यहाँ पे सत्संग हो रहा है, हर मंथ, हर वीक जो भी हमारे काम है हम अपने कर रहे हैं, हम कॉन्टिन्यूसली सोसाइटी में भी हैं और यहाँ पे भी हैं और वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी गुरुजी आए और जो लोगों को गलत फहमी है वो उनकी ख़त्म हो, क्योंकि एक ना एक दिन सच तो सबके सामने आना ही है। तो डेरा तो चलता रहेगा, चलता है और चल ही रहा था। नीड है सोसाइटी को, उनकी सोसाइटी का तो क्या ही कह सकते।
हैं, सोसाइटी की अपने व्यूज हैं, उन लोगों को जो टीवी पे दिखाया जाता है वो देखते हैं, लेकिन रियलिटी में अगर वो यहाँ आएंगे तो उन्हें रियलिटी कुछ और ही मिलेगी। एंड आई विश कि वो सब यहाँ आए और यहाँ की रियलिटी देखें। क्या अपील करना चाहोगे आप गवर्नमेंट से, संजीव? गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहोगे? गवर्नमेंट से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग पॉलिटिक्स में हो, आप लोग उन चीजों को प्रमोट कर रहे हो जिसकी वजह से यंगस्टर्स की लाइफ खराब हो रही है। आप नशे को प्रमोट कर रहे हो, आप कॉलेज स्टडीज बंद करके आप पब्स और नशे वाली चीजों को ओपन करके रखा है इस पैनेटिंग में भी, तो ये गलत है। आई थिंक हमें ऐसी सोसाइटीज को या ऐसी इंस्टीट्यूट को प्रमोट करना चाहिए जो सोसाइटी की वेलफेयर में हेल्प करे। यंगस्टर्स को प्रमोट करोगे तभी तो हमारा देश आगे जाएगा। आई थिंक दे शुड लर्न समथिंग जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, उन्हें भी डेरे से सीख लेनी चाहिए। यहाँ पे जो काम हो रहे हैं उसे बढ़ावा देना चाहिए और गुरु जी को जल्दी से जल्दी वापस बुलाना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये है रियल फैक्ट तेरा सच्चा सौदा विद सिंधु प्रोग्राम में रामरीम सिंह जी। इंसा का जो यहाँ पर हॉस्टल में रहती थी लड़की, आज आपके सामने बता रही है हॉस्टल का सच, ये करारा तमाचा मार रही है उन हेडलाइंस को जो यहाँ पर आने वाली करोड़ों लड़कियों की इज्जत को तार तार कर रही थी, जो एक सच्चे संत, एक सच्चे समाज सुधारक को इस तरीके से दुनिया में झूठा बदनाम कर रही थी, जो पब्लिक हमें लगातार बता रही है और ये अपील कर रही है कि पब्लिक के सामने सच जल्द से जल्द सामने आ